हेलो व्यूवर्स, आज हम कस्टर्ड ऑयल यानी अरंडी के तेल का रिव्यू करेंगे। इसलिए इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें सबसे पहले हम पैकिंग डिटेल्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस बीमारी में इसका प्रयोग किया जा सकता है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कुछ सावधानियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका कैसे सेवन करना चाहिए, किस तरीके से इसकी सेवन होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपको इस तरीके की पैकिंग में मिलेगा, ये 100 ml की पैकिंग है प्लास्टिक की बोतल में, ये आप देख सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टर्ड ऑयल प्योर अरंडी का तेल, प्रिजर्व इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर एंड अवॉइड एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट। और यहाँ पे नीचे कंपनी की डिटेल्स दे रखी हैं, कंपनी का एड्रेस दे रखा है और साथ में कस्टमर केयर नंबर भी है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। इसके इस साइड में यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं, बेस्ट बिफोर 36 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ पैकिंग। पैकिंग के डिटेल्स डेट है जब उसके बाद से 36 मंथ तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अभी इसके कुछ फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं, किस किस बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मुहासों को हटाने में किया जाता है, बालों को मुलायम करने व रूसी कम करने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, कब्ज़ को ठीक करने में अरंडी का तेल फ़ायदेमंद रहता है, यह एंटी फंगल एंटी एजिंग की तरह काम करता है, मासिक धर्म के समय शरीर में होने वाली ऐठन को कम करने में भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसमें मौजूद फैटी एसिड की मदद से चेहरे के दाग धब्बे भी मिटाने में मदद मिलती है, यह बालों को सफ़ेद होने से रोकता है और बालों को काला व लंबा बनाता है, दाद होने पर व घावों को भरने में भी यह बहुत लाभकारी है, यह पीठ दर्द के लिए व गठिया के इलाज में बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए अभी इसके कुछ नुकसान व कुछ सावधानियों के बारे में जान लेते हैं। इसकी गर्म प्रकृति के कारण अरंडी के तेल का अधिक सेवन करने से दस्त लग सकते हैं, इससे पेट में ऐठन, मतली, उल्टी व चक्कर आना जैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान स्तनपान कराने वाले महिलाओं को व बच्चों को इसका सेवन केवल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। अगर किसी को इस तेल से एलर्जी है तो उनको स्किन रैश, खुजली व सूजन हो सकती है, इसलिए इसका प्रयोग ना करें। सेवन कैसे करें? हर बीमारी में इसका सेवन विधि अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसका सेवन केवल डॉक्टर की सलाह से ही आपको करना चाहिए। डॉक्टर ही आपको बताएगा कि इसको किस बीमारी में किस तरीके से इसको प्रयोग करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।